नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फास्ट स्टडी प्लानर यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको एक ऐसी वैकेंसी के विषय में बताएंगे जिससे आपके बहुत से भ्रम दूर होंगे। आपने सुना होगा कि टीचर बनने के लिए बीएड अनिवार्य होता है। लेकिन इस वैकेंसी में बीएड अनिवार्य नहीं है। आपने सुना होगा कि सीटेट और यूपीटेट, इन्हें क्वालिफाइंग करने के बाद टीचर बनते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए विस्तार से बात करते हैं इस वैकेंसी के विषय में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूपी पीजीटी की। उत्तर प्रदेश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। हाँ दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश में यदि प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो आप यूपी पीजीटी की परीक्षा दे सकते हैं, जिसके कि फॉर्म अभी निकले हुए हैं, जो 27 नवंबर तक भरे जाएंगे। इस वैकेंसी में क्वालिफिकेशन इसमें क्वालिफिकेशन में सिर्फ पीजी डिग्री होनी चाहिए आपके पास। आपने एमए किया हो, एमएससी किया हो या एमकॉम किया हो, जिस विषय का आप अध्यापक बनना चाहते हैं उस विषय से आपने पीजी डिग्री की हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, और इसमें परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि आप 33% लाकर परीक्षा पास किए हैं अपनी पोस्ट ग्रेजुएट, तो भी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। एज, इस परीक्षा को देने के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए। साथियों, इसे आप रिटायरमेंट की उम्र तक भी इस परीक्षा को दे सकते हैं। अब समझते हैं पे स्केल। ये लेवल 8 की नौकरी और 4800 ग्रेड पे है इसका, यानी आप इसमें 60,000 प्लस सैलरी आपको पहले महीने से ही मिलेगी। अब समझते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। साथियों, आपने देखा होगा कि केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी के माध्यम से जो टीचर की वैकेंसी निकलती है, उसमें एग्जाम यदि आपका जो सब्जेक्ट है उसके अलावा भी जीएस, रीजनिंग, मैथ का एक पोर्शन होता है। लेकिन इस परीक्षा में ऐसा नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें कि 125 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का यह प्रश्न पत्र होगा, और ये प्रश्न आपके सब्जेक्ट से संबंधित होंगे। यदि आप इतिहास का टीचर बनना चाहते हैं तो हिस्ट्री के ये क्वेश्चन होंगे 125, मैथ का, फिजिक्स का, इसी तरह जिसका भी आप टीचर बनना चाहते हैं उसी विषय के प्रश्न होंगे। और एक प्रश्न 3.4 अंक का होगा, यानी 425 अंक की आपकी परीक्षा होगी। 425 अंक रिटिन के, 50 अंक का होगा आपका इंटरव्यू, और 25 अंकों का होगा एकेडमिक वेटेज। टोटल मिलाकर ये 500 अंकों की परीक्षा है। 500 नंबर में से आपकी मेरिट लगेगी, और ये एकेडमिक वेटेज उन्हें मिलता है जिन्होंने पीएचडी की है, उन्हें 10 नंबर मिलेंगे। एमएड करने वालों को भी 10 नंबर मिलेंगे और बीएड करने वालों को 5 नंबर मिलेंगे।
तो साथियों यदि आप उत्तर प्रदेश में प्रवक्ता बनना चाहते हैं इंटर कॉलेज में, एडिड इंटर कॉलेज होते हैं जिनमें कि जिनमें एक मैनेजमेंट होता है, इन्हें आप अर्ध सरकारी समझ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।